जल्दी कैसे ऑफिस से आ गए? अरे यार सब जल्दी चले गए घर अपने अपने। क्या हुआ, क्यों? आज ऑफिस में काम नहीं था क्या? पता नहीं, सब आज कुछ स्पेशल डे था, सब चले गए घर जल्दी, तो मैं बोला मैं भी चले जाता हूँ। लेकिन ये छुपा क्या रहे हो, हाथ के पीछे रखे हो, दिखाओ क्या लाए हो आज। मालूम है क्या है? क्या है? मेरे जैसे तो रोज है, कपड़े घड़ी कर रही हूँ, खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया। आज चॉकलेट डे है, देखो आपके चॉकलेट लेके आया। अरे कंजूस राम, कम से कम आज के दिन तो बड़ी चॉकलेट लेके आते। देखो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, वो भी 5 रुपए वाली। लेकिन आप खाती नहीं ना, तो पैसा बेच करके क्या फायदा है, बोला इससे काम चल जाएगा। अच्छा चलो बहाने मत करो, कंजूसी की भी हद होती है। मैं आपको गिफ्ट देती हूँ, देखो कैसे गिफ्ट दिया जाता है मैं आपको बताती हूँ। आज चॉकलेट डे है तो मेरे लिए तो छोटी सी चॉकलेट लाए, तो रिटर्न गिफ्ट में तो मुझे भी कुछ देना बनता है ना, तो मैं इनको दिखाती हूँ कि कैसे चॉकलेट देते हैं। इनकी तरह मैं कंजूस नहीं हूँ। फरेरो रोसर बनाने के लिए मुझे सिर्फ ये 5 चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये जो है वेफर सेल्फ जो फरेरो के अंदर रहता है, और ये मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, और ये है हेजलनट, ये आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाएगा आसानी से, और ये भी वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। और ये मैंने ले लिया है मिल्क कंपाउंड 200 ग्राम, ऐसे इसका पैकेट आता है मिल्क कंपाउंड का। ये 400 ग्राम का आता है 125 रुपीज का। और ये मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच भर के नटेला चॉकलेट। तो चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये बादाम है और हेजलनट है इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और ये चॉकलेट को मैं मेल्ट कर लूँगी। तो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हो या फिर डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मेल्ट करके लेके आती हूँ और इसको ड्राई रोस्ट करके, इससे क्रंचनेस आ जाएगी और बहुत ही टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा क्रंची करना है। तो 1 से 2 मिनट तक इसको हमें भून लेना है। तो ये बस 2 मिनट हो गया है, ये हो गया है, अभी गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेती हूँ। अब इसको भी मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप इसको नहीं भी भूनेंगे तो भी चलता है, बट इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा। तो बस ये हो गया है, 2 मिनट इसको भी मैंने भून लिया, अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए बादाम ठंडा हो चुका है जो मैंने भून के रखा, और ये हेजलनट भी ठंडा हो गया है। तो अभी इसको मुझे हल्का सा दरदरा सा कोट लेना है इसको। तो आप इसको चाहिए तो मिक्सी में भी चला सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए एकदम दरदरा सा, या फिर ऐसे खलबट्टे में भी भून सकते हैं। तो मैं इसमें ही इसको दरदरा सा कोट लेती हूँ, या फिर आप चाकू से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसा कर लेने का। इसको मुझे बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, दरदरा सा ही कूट लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है इसका हमें। तो इसमें हमें हेजलनट को भी थोड़ा सा कूट लेना है, जैसे हमने बादाम को कूट लिया उसी तरह इसको भी हमें दरदरा सा कूट लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको भी ऐसे दरदरा सा बना लिया है। तो ये देखिए चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया, कितना स्मूथ है, इसको मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट किया। तो ये मैंने जो नटेला चॉकलेट लिया है, अभी इसमें मैं 2 चम्मच ये भी चॉकलेट डाल दूंगी, इससे क्या होगा कि हमारे सेल्स जो हैं आपस में अच्छे से चिपकेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। तो ये नटेला चॉकलेट में मैंने 2 चम्मच मिल्क चॉकलेट भी मिला लिया, और इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ मैं। तो चलिए अभी हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो ये वेफर का सेल्स है, अब इसमें मैं थोड़ी सी चॉकलेट डालूंगी ये नटेला का। तो ये देखिए इसमें मैं थोड़ी सी नटेला चॉकलेट भर ली। अब इसमें मैं एक जो रोस्ट करके मैंने हेजलनट रखा बीच में उसको लगा दूंगी। वाह कितना यम्मी दिख रहा है अभी से ही। अब इसी तरह हमको जितनी भी चॉकलेट बनानी है हम पहले इसको भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना क्यूट दिख रहा है ये। अब इसी तरह हम सबको पहले भर के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे मैंने सेल्स में भर के तैयार कर ली, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हमें ऊपर से कवर करना है। तो ये देखिए अभी क्या करेंगे हम कि एक और लेंगे सेल्स, और इसमें
ये जो हमने नटरेला चॉकलेट रखा है इसमें भी थोड़ा सा मैं भर लूँगी, और इसके किनारों पे हमें थोड़ा थोड़ा लगा देना है जिससे आपस में चिपक जाए अच्छे से। किनारों पे लगाने के बाद हम एक ये लेंगे और एक ये, दोनों को हम आपस में ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए अब ऐसे ही सारे हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे वेफर को तैयार कर लिए हैं। अभी इसको मुझे सेट होने के लिए फ्रिज में रखना है, नहीं तो ये खुल जाएगा। तो मुझे इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, तो मैं रख के आती हूँ इसको। तो ये देखिए जो हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, अभी ये अच्छे से सेट हो गया है, अभी खुलेगा नहीं बिल्कुल। तो चलिए अभी हम फरेरो रोसर चॉकलेट बना के फटाफट रेडी करते हैं। तो ये है हमारा मेल्टेड चॉकलेट जो हमने चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, और ये हमने जो बादाम को क्रश करके रखा था अभी इसको मैं थोड़ा सा मिला दूंगी इसमें, और ये जो हेजलनट हमने क्रश करके रखा था ये भी मिला दूंगी, और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए जब हम फरेरो रोसर खाते हैं तो ऊपर से जो क्रंचनेस आती है ना, उसी लिए हमने इसको मिलाया है। तो ये देखिए थोड़ा सा और मिला देंगे हम, हेजलनट मैंने थोड़ा सा और मिला दिया। तो बस हम एक लेंगे ये जो वेफर सेल है उसको रेडी किया है, अब इसको हम इसमें डिप करेंगे और इसको अच्छे से फोक की मदद से पूरा इस पर अच्छे से चॉकलेट लगाएंगे, और एक दूसरा फोक ले लेंगे हम और इसके ऊपर अच्छे से इसको जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको हम निकाल लेंगे, और इसके ऊपर से हमें अच्छे से चॉकलेट दो लेयर तीन लेयर लगाना है जिससे पूरा कवर हो जाए चारों तरफ से। बस इसका एक्स्ट्रा चॉकलेट हमें निकाल के, ये हमने ले लिया है बटर पेपर, अब इसके ऊपर हम इसको ऐसे रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे चॉकलेट को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे चॉकलेट्स को तैयार कर ली हूँ, और इसको मुझे अभी 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो चलिए अभी इसको हम फ्रिज में रख के आते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको मैं चाकू की मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट इधर लग गया है इसको शेप में ले लेंगे। तो थोड़ा सा जो आजू बाजू लग गया है इसको हम ऐसे चाकू से निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सबको शेप में ले लिया, जो आजू बाजू चॉकलेट लग गया था उसको सबको मैंने चाकू से निकाल लिया। तो ये चॉकलेट तो हमारा रेडी है बिल्कुल खाने के लिए, लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं इस वैलेंटाइंस डे तो इसकी पैकिंग कर लेते हैं हम बिल्कुल फरेरो रोसर के जैसे। तो आपको इस तरह का पेपर मिल जाता है मार्केट में बहुत आसानी से। तो चलिए अभी हम इसी में पैकिंग कर लेते हैं। तो ये एक चॉकलेट हम ऐसे लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे जैसे हमें फरेरो रोसर दिखता है। लग रहा है ना बिल्कुल फरेरो रोसर। अभी इसको और आप क्या कर सकते हैं, इसके कप्स भी मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं इस तरह के, देखिए छोटे छोटे फरेरो रोसर के कप्स भी मिलते हैं। इसको बिल्कुल फरेरो रोसर के जैसा लुक देने के लिए आप इस कप में रख दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि आपने इसको घर पे बनाया है? तो चलिए हम फटाफट ऐसे सारे चॉकलेट को तैयार कर लेते हैं पहले। तो एक मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है ये। तो ये देखिए ये बिल्कुल जो हमने हेजलनट रखा था, और ये देखिए मुँह में अभी से ही पानी आ रहा है, मन कर रहा है खा लूँ। तो ये देखिए मैंने सारे चॉकलेट तैयार कर लिए हैं, अब आपको एक मैं उठा के भी दिखाती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा जो फरेरो रोसर ओरिजिनल मिलता है। तो आप भी इस वैलेंटाइंस डे पे इसको बनाइए और अपने दोस्तों को गिफ्ट दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको गिफ्ट भी पैक कर सकते हो आप किस तरह से। तो ये देखिए ये मेरे पास एक गिफ्ट पैक करने का है, इस तरह का आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप ऐसा कुछ ले लीजिए, या फिर पाउच स्टाइल में भी बहुत सारे मिलते हैं गिफ्ट रैपर। तो बस आप उसमें अपना चॉकलेट्स रख दीजिए, इस तरह से गिफ्ट पैक कर लीजिए आप। तो ये देखिए बन गया ना बिल्कुल क्यूट सा हमारा गिफ्ट पैक। चलो ये देखो मैं आपके लिए चॉकलेट बना के लाई हूँ। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, दुकान से लाए क्या? अब मैं इतनी मेहनत की ऊपर से दुकान से लेके आई हूं। देख के तो ऐसे ही लग रहा है दुकान से लाई। चलो खा के देखो, पकड़ो, चलो मैं ही खिला देती। ये तो सेम दुकान के जैसा है, तो बहुत यम्मी और टेस्टी है। वाह, मैं क्या लेके आया, तुमने क्या?
आपने तो मुझे इतनी बड़ी सी चॉकलेट लेके आई है। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। तो देखा दोस्तों, आप भी इस चॉकलेट को बनाओ अपने घर में और अपने पार्टनर को गिफ्ट दो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।